नमस्कार स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल तेजस मैदान पर आज हम बनाएंगे ब्रेड पिज़्ज़ा ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैंने लिया है मोज़रेला चीज़ ये है गार्लिक बटर म्योनीस बारीक कटी हुई शिमला मिर्च जिसके बीज मैंने निकाल दिए हैं ये है टमेटो सॉस बॉयल्ड स्वीट कॉर्न कटे हुए प्याज अब मैंने लिया है थोड़ा सा ऑयल उसमें मैंने डाले हैं कटे हुए प्याज शिमला मिर्च इसे तीन से चार मिनट के लिए तेज आंच पर ही भूनना है जिससे कि ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएं और इसका कच्चापन दूर हो जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे बॉइल्ड स्वीट कॉर्न उसे भी दो से तीन मिनट के लिए भूनना है जिससे कि उसमें जो पानी है थोड़ा बहुत वो सूख जाए अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च पिसी हुई और थोड़ा सा नमक इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसे एक बर्तन में निकाल लेना है अगर आप चाहें तो इसे सेलेड के रूप में वैसे भी खा सकते हैं अब हम लेंगे म्योनीस हमने जो ये वेजिटेबल्स फ्राई करी हैं यानी कि शिमला मिर्च प्याज स्वीट कॉर्न इसमें हम डाल देंगे म्योनीस अच्छी तरह इसे कर लेंगे हम मिक्स अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा मोजरेला चीज़ इसे भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे अब हम लेंगे गार्लिक बटर उसे थोड़ा सा गरम करेंगे और ब्रेड को हल्का सा इसके ऊपर सेक लेंगे और इसे किसी प्लेट में निकाल लेंगे अब हम लेंगे पिज्ज़ा सॉस या टमेटो सॉस उसे हम ब्रेड की एक साइड में लगा देंगे और हम इस पर रखेंगे म्योनीज़ और वेजिटेबल्स और मोजेला चीज़ वाला जो मिक्सचर था उसे आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग थोड़ा या ज़्यादा जितना भी चाहें आप इसमें लगा सकते हैं ऊपर से हम थोड़ा सा मोजेला चीज़ और डालेंगे अब हम लेंगे तवा तवे को करेंगे गरम आंच को बिल्कुल ही धीमा कर देना है थोड़ा सा बटर लगाएंगे और उस पर हमने जो ब्रेड फिल करी थी वो ब्रेड हम रख देंगे और इसे कवर कर देंगे आंच को बिल्कुल ही धीमा रखना है जिससे कि जो मुजरेला चीज़ है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए दो से तीन मिनट में ये चीज़ है वो मेल्ट हो जाएगा अब हमें इसे प्लेट में निकाल लेना है और गर्मा गर्म ही सर्व करना है खाने में ये बहुत टेस्टी लगेगा बच्चों को ये बहुत पसंद आएगा रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल थैंक यू